वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हम लोग कि लक्ष्मण झूला जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण झूला जा नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आज हम लोगों के पास भरपूर टाइम है और राहुल भी रेडी हो चुका है मेरा चलने के लिए। तो आज ना पहले से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं त्रिवेणी घाट गया था तो आधी आरती निकल चुकी थी, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो आज मैं 3 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं जूते तो पहनूंगा नहीं, मैं स्लीपर अपने डाल रहा हूँ, यही रहता है लोकल में रहने का फ़ायदा। ये भी ले लेंगे। तो आज हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऑटो करेंगे, ऑटो से जाएंगे। बाइक होती तो बाइक से जाते हैं, फोर व्हीलर भी नहीं आया तो फोर व्हीलर से भी चले जाते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें गायब हैं आज। तो हम लोगों को तो ऑटो मिल गया। हम लोग त्रिवेणी घाट तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें लक्ष्मण झूला के लिए पकड़नी पड़ेगी। भैया लक्ष्मण झूला के यहाँ से कहाँ से मिलेगा ऑटो? आगे से आ जाओ, आगे से मिलेगा। तो लक्ष्मण झूले के रास्ते में आपको कपड़ों की दुकान भी मिल जाएगी, अगर आपको कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो आप कपड़े भी खरीद सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी मार्केट की, तो ये सारी दुकान सी है मेरे पीछे, और ऐसे ही आपको वॉल पे पूरा पेंटिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये है लक्ष्मण झूला का शॉर्टकट वे, तो हम लोग ये वाला रास्ता चलते हैं, शॉर्टकट वाला। क्यों लॉन्ग कट से जाओ, किसी से पूछते भी हैं आंटी यहाँ से लक्ष्मण झूला की पहुँचा है? ओके भैया। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, इसमें आपको कपड़े वगैरह दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इस वाले रास्ते पे आप बाइक वगैरह लेके नहीं आ सकते, क्योंकि इस पे सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो आप पैदल ही आ रहे हैं, तो ये शॉर्टकट सही रहेगा आपके लिए। ये देखो सीढ़ियाँ, तो यहाँ पे पहाड़ देख रहे हैं आप कितने ऊँचे ऊँचे हैं। तो वो हम लोगों का पोपट हो चुका है, लक्ष्मण झूला बंद है, अब सीधा राम झूला के लिए जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा थक गया है यहाँ पे चढ़ाई करते करते। तो लक्ष्मण झूला ये है कुछ, राहुल ना थक के यहाँ पे बैठ चुके हैं, क्योंकि राम झूला तो ओपन है लेकिन लक्ष्मण झूला बंद है, तो हमें लोगों को पता ही नहीं था, तो हम लोग चले आए सीधा। तो भैया बंद होने की कंडीशन ये है कुछ ऐसे। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखेंगे, जाके ऊपर भी कुछ जगह है यहाँ पे बैठने के लिए और देखने के लिए। पहले सीढ़ियों पर बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आए अभी हम लोग। बैठे अब शांति से, हम लोग दिन में आए थे यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग जाएंगे राम झूला के लिए। राम झूला यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से बैठ लिया, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। जो पीछे मेरी सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, तो इनके ऊपर जाके फिर ये वाला व्यू कलेक्ट करते हैं चल के, थोड़ी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे, फिर चलते हैं यहाँ से। अब निकलेंगे हम लोग, लक्ष्मण झूला तो बंद है, राम झूला के लिए हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो तो अभी हम लोग आए हैं ऊपर सबसे टॉप से, और टॉप से ना इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, तो ये देख रहे होगे आप पीछे मेरे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार। लेकिन लक्ष्मण झूला बंद है, यही कष्ट है हम लोगों को। फिलहाल में काफ़ी अच्छा रहा, राहुल को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ऊँचे ऊँचे देख रहे हैं। पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको पहले कि कितने ऊँचे व्यू है लक्ष्मण झूले का, और ये देखो पहाड़ यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तो काफ़ी टाइम हम लोग रुक चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे और ज़्यादा रुक कर, लेकिन अब हम लोग जाएंगे सीधा राम झूला की तरफ, क्योंकि अब यहाँ पे लक्ष्मण झूला तो बंद है, अब यहाँ पे कुछ काम ही नहीं था हम लोगों का, तो अब सीधा राम झूला के लिए हम लोग निकलते हैं। तो पीछे का व्यू आपने देखा ही बहुत कितना अच्छा है, ये देखो। तो यार काफ़ी टाइम से मैं पैदल चल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, नीचे से ऊपर आते आते। तो अब हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग अब सीधा राम झूला भी पैदल पैदल जाएंगे, और रास्ते का मज़ा लेते हुए। पीछे मेरा पानी देख रहे हो आप ना, ये पहाड़ों से नीचे आ रहा है सीधा, तो पैर हम लोगों के गीले हो चुके हैं यार, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। पूरा ढलान का ही रास्ता है यहाँ से राम झूला तक का। पानी देख रहे हैं ना, ये पूरा पहाड़ों से ऊपर से आ रहा है, ये देखो पूरा चल रहा है यार। तो अभी हम लोग राम झूला पे पहुँच चुके हैं, तो वो सामने दिख रहा होगा आपको राम झूला, और राहुल को देखो कैसे बैठा हुआ है। थक गया मैं बहुत यार। सभी हम लोग बैठे हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे यार, थक गए थे वहाँ से लक्ष्मण झूला से पैदल चलते चलते। और राम झूला हमारा ना ये है सामने, तो अभी हम लोगों को शॉर्टकट भी पता है, क्योंकि यहाँ से मैं लेने वाला हूँ जहाँ पे अंकल बैठे हैं, तो साइड से है ना मेरा शॉर्टकट, तो यहाँ से नीचे नीचे जाऊँगा, तो अब सड़क सड़क नहीं जाने वाला हूँ मैं। शॉर्टकट रास्ता कुछ यहाँ से है हम लोगों का, तो
ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे गंदगी कितनी कर रखी है लोगों ने, यहाँ से गंदगी मत किया करो। नीचे पड़ा है भाई एकदम मस्त। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। पूरा देख रहे हो व्यू कितना मस्त है, पूरा पहाड़ों के बीच में और नदी भी बह रही है। वैसे फ़ोटो वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ये देखो। और मेरे जस्ट पीछे राम झूला है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तो कुछ, ये कुछ इसका एंट्री है यहाँ से। तो इस पे चल रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है हल्का हल्का सा, तो अजीब सा फील होता है यार। जा रहे हैं उस साइड को, वहाँ पे भी देखते हैं चल के क्या है यार। आ गया ना। और पानी में आपको दिखाऊँ ना यहाँ से कितना तेज चल रहा है, ये देखो। और एक ये व्यू भी आ रहा है सामने से, और पुल से ये वाला। ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नहाना वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ पे नहा सकते हो। तो अभी मैं भी चलता हूँ नीचे, थोड़ा बैठता हूँ चल के यहाँ पे यार, काफ़ी अच्छा लगता है बैठने से पास में। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है राम झूला। तो उस साइड पे ना आपको दिख रही होगी, उस साइड पे हो रही है गंगा आरती, और मैं इस साइड पे बैठा हूँ। तो अगर मैं उस साइड पे होता ना तो पक्का जाता मैं वहाँ पे आरती के देखने के लिए। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने से यार, शांति जी। और सामने देख रहे हो आप पहाड़ यार, एकदम मस्त व्यू यार। मूड है नहीं तो वैसे ही पसंद हो जाओ यार। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो राम झूला तो देख लिया, अब जानकी सेतु की तरफ हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से ही रास्ता गया, तो इस साइड से रास्ता है जानकी सेतु का। नीलकंठ पैदल मार्ग आपका जानकी सेतु, परमात्म निकेतन आश्रम मुख्य बाजार। तो अभी हम लोग मुख्य बाजार से होते हुए निकलेंगे जानकी सेतु के लिए। भैया नीचे तो आरती चल रही है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मेरा जाना तो मुश्किल है नीचे। शंकर जी की मूर्ति आप देख रहे हो कितनी अच्छी है, तुरंगली बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे कुछ, और काफ़ी अच्छी लग रही है। आरती वगैरह तो देख ली है, आप चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग जानकी सेतु पे पहुँच चुके हैं, तो कुछ ऐसा व्यू है उसका दूर से देखने पर तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ना सीधा डायरेक्ट लक्ष्मण झूला पर गया था, लक्ष्मण झूला से पैदल चलते चलते राम झूला पर आया, राम झूला के दर्शन किए, आज सीधा जानकी सेतु पर आ चुका हूँ यार। कुछ ज़्यादा दूर दूर नहीं है, एक एक किलोमीटर के अंदर पे अगर पैदल भी आ सकते हैं। अगर आपको स्कूटी चाहिए तो वहाँ पे रेंट पे स्कूटी भी आपको मिल सकती है। जानकी सेतु का कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। ये तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो जानकी झूला ना काफ़ी बड़ा है यार और काफ़ी लंबा भी। तो इस पे ना आप अगर इस साइड पे आ रहे हो तो बाइक्स वगैरह चल रही, और बीच में रास्ता है पैदल चलने वालों का, लाइट्स लाइट लगी हुई है, तो ये आपको दिख रहा होगा सामने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस साइड से घाट दिख रहा है। ये देखो अपने स्टंट कर रहा है यहाँ पे। और मथुरा में इतनी देर होता ना, अगर इतना मंकी अगर मथुरा में होता ना, तुरंत आपका फ़ोन निकाल के ले जाता वो। मेरे साथ हो चुका है, मेरा चश्मा निकाला ले गया, फिर फ्रूटी दी उसको तब देते हैं, वो भी जानते हैं कि बगैर फ्रूटी के तो उनको देना ही नहीं है, फोन ले जाएंगे, कुछ भी मिलेगा आपका निकाल लेंगे वहाँ से। तो शाम हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रूम पे खाना वगैरह ना बनाना पड़े, तो यहाँ पे अच्छा सा होटल देख के वहाँ पे खाना वगैरह खा के तब निकलेंगे सीधा रूम पे। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ होगा अच्छा खाने के लिए। तो यहाँ पे ना ऑटो वाले हमसे कह रहे हैं चलो भाई तुम्हें नहीं छोड़ देते चल के, आप 80 रुपये दे देना। भैया उस तरफ से हम 10 रुपये में आए थे, अब यहाँ से 80 रुपये दे के जाएंगे, वो समझ रहा है कि टूरिस्ट है ये, पता नहीं हम यहीं पे फंस चुके हैं अभी। तो आगे से ऑटो मिल जाएगा हमें 10-10 रुपये में, जो कि त्रिवेणी छोड़ देगा, फिर वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं चल के। भैया त्रिवेणी बैठो के साथ हम आगे बैठ।
तो अंकल के साथ जा रहे हैं तो 15 रुपए, और वहाँ पे अंदर हमसे 80-80 रुपए मांग रहा था एक आदमी का। तो अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे मेडी से, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा मनसा देवी क्रॉस होटल वगैरह देखता हूँ। तो खाना वगैरह खा के फिर रूम पे जाएंगे, क्योंकि यार रूम पे अब जाओ फिर खाना वगैरह बनाओ ना, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। पैदल भी आज बहुत ज़्यादा चले, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर वो भी पहाड़ों पे। तो खाना वगैरह खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। पनीर बटर मसाला और रोटी खा चुके और तो इसे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना तो हो चुका है, अब चलते हैं रूम की तरफ। और राहुल पेमेंट कर रहा है, वो भी आता हुआ यार। अब सीधा चलते हैं रूम पे, आ जाओ यार, चलो ओके आओ इधर आओ, इधर से मिलेगी ना मुझे। तो फिर से ऑटो स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, चलो भैया को एडजस्ट कराओ यार। रूम पे तो अभी पहुंच चुका हूं, तो गेट वगैरह खोलता हूं, अब सीधा करूंगा आराम। और कुछ नहीं यार, तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मिलता हूं आपसे। चुके हैं कपड़े वगैरह हमने लगा दिए, और राहुल तो देखो कैसे पड़ा है, इसने तो कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए। तो फिलहाल में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खाना वगैरह भी खाया, जो कि राहुल की तरफ से आज होटल में हमारा खाना था, पार्टी पूरी राहुल की थी, और घूमा वगैरह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए। और उसके बाद का ब्लॉग आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।